सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई बार हम जीवन में हताश हो जाते हैं और मरने के लिए चले जाते हैं। कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपने छुटकारा पाने के चक्कर में शरीर त्यागना चाहा तो पुनः जन्म मिलेगा, प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा। मनुष्य जन्म मिला है, उसमें सुधार कर सकते हो आप। धोखे से जानवर बन गए, पशु बन गए, तो फिर चारा भूसा खाना पड़ेगा, गंदगी खानी पड़ेगी, और किसी ने लठ मार दिया तो वो भी पिटना पड़ेगा। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है। हो गया होगा, पाप हो गए होंगे हमसे ऐसे कर्म, तो पश्चाताप कर सकते, कान पकड़ सकते, भगवान से क्षमा याचना कर सकते, भगवान क्षमा कर दे। बहुत बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो गया हो, हम मनुष्यों से अपराध हो जाते हैं, तो हमारे द्वारा जो अपराध हो गए हैं उसको कौन क्षमा कर सकता है? तो याचिका लगाई जाती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को अगर लगता है भाई ये याचिका आई है, अमुक व्यक्ति सुधर गया है, सबका कल्याण करता है, समाज सेवा करता है, अब इसको क्षमा कर देना चाहिए, दंड नहीं दिया जाएगा, सजा नहीं, तो राष्ट्रपति क्षमा कर देते। ऐसे ही भगवान जगतपति, जगतपति के शरण में हम जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, सरकार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, अब ऐसी तो भगवान देखते हैं, हाँ सुधर गया है, क्षमा योग्य है, तो वो क्षमा कर देते, सारे पापों को नष्ट कर देते। तो पश्चाताप कर लेना, पश्चाताप बहुत अच्छा साबुन है, मैल धोने का बहुत अच्छा साबुन है पश्चाताप। हमेशा भगवान से क्षमा याचना, अपने कर्मों का पश्चाताप, अपने पापों का पश्चाताप।